सो हे गाइज, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो गाइज, क्या आपकी भी जो कॉल लॉग हिस्ट्री है वो डिलीट हो चुकी है और आप चाहते हो कि उसको हम बैकअप कर लें, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि उसको बैकअप कैसे कर सकते हैं और कर भी सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपकी जो कॉल लॉग हिस्ट्री है जो कि डिलीट हो चुकी है उसको आप बैकअप कैसे कर सकते हैं। जी, उसको 100% रियल ट्रिक इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आप अपनी जो कॉल लॉग की जो हिस्ट्री थी जो कि डिलीट हो चुकी है उसको आप बैकअप कर पाओगे। तो कैसे आपको बैकअप करना है, चलिए बना देर के वीडियो कर लेते हैं शुरू। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब वीडियो कर लीजिए। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि अगर आपको आपकी कॉल लॉग हिस्ट्री यहां पे बैकअप करनी है तो आपके मोबाइल में ट्रू कॉलर होना जरूरी है। तो दूसरे भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन वो तरीका है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ सकता है, यानी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो जो आपका ट्रू कॉलर वाला तरीका है ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सिंपल है। तो आपके मोबाइल में अगर ट्रू कॉलर है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोगों के ट्रू कॉलर होता है, तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको आपका जो ट्रू कॉलर ऐप है वो ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद वहाँ पर कुछ आपको सेटिंग करनी पड़ेगी जो कि इस वीडियो में आपको बता देता हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन। तो भाई, आपको करना क्या है कि आपको जो ट्रू कॉलर ऐप है वो ओपन कर लेना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको थ्री लाइन्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग्स का बटन देखने को मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको करना क्या है कि यहाँ से आपको बैकअप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको बैकअप पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको एक कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर आपने ये जो ऑप्शन है ऊपर ऊपर का बैकअप का, अगर ये आपके मोबाइल में इनेबल है तो आपको जो कॉल लॉग से वो डिलीट हो चुके हैं उनको आप यहाँ से आराम से बैकअप कर सकते हैं। और अगर इनेबल नहीं है तो आपको क्या करना है, इसको इनेबल कर देना है। जैसे कि मैं इनेबल कर देता हूँ। जैसे इनेबल कर देते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी एक जी मेल आई डी यहाँ पर ऐड करनी होगी। आपके सारे अकाउंट यहाँ पर आ जाएंगे मोबाइल के, तो आपको एक जी मेल आई डी यहाँ पर ऐड करनी होगी। तो मैं क्या करता हूँ कि एक जी मेल आई डी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो जैसे आप जी मेल आई डी ऐड कर देते हैं, थोड़ी देर लोडिंग लेता है आपके नेटवर्क के हिसाब से। आपको नेटवर्क बढ़िया है तो ये बहुत ही जल्दी यहाँ पे लोड हो जाता है। उसके बाद यहाँ से कुछ परमिशंस मांगता है जिनको कि आपको अलाउ कर देना है। जैसे आप अलाउ कर देते हैं उसके बाद ये यहाँ पे हो जाता है, मतलब सेट हो जाता है। अब यहाँ पे होगा क्या कि अगर आपके मोबाइल में ये जो ऑप्शन है पहले से इनेबल नहीं था तो क्या होगा कि आपका जो पहले की जो कॉल हिस्ट्री है, कॉल लॉग्स आपके डिलीट हुए हैं, वो यहाँ पे आप बैकअप नहीं कर पाओगे अब, मतलब कि। और अगर आप अब से इसको चालू कर देते हो तो अब से आपके जो भी डिलीट होंगे वो आप यहाँ से आसानी से रिकवर कर पाओगे। और अगर ये पहले से अनेबल था, ऑन था, तो आप पहले कोई भी यहाँ पे रिकवर कर पाओगे। नीचे जो बैकअप का बटन है इस पर जैसे आप बैकअप नाउ पर क्लिक करते हो तो आपके जो कॉल लॉग्स है वो सारे बैकअप होकर आ जाते हैं आपकी जीमेल आईडी पर। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब।